गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। विगत कक्षाओं में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हम लोगों ने की थी और बाबर के बारे में हम लोगों ने जानना शुरू किया था। छद्म पानीपत का प्रथम युद्ध आपने जाना था और आज हम लोग खानवा का युद्ध की भी शुरुआत पिछले जो है क्लासेस में हम लोगों ने किया था। छद्म खानवा का युद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले में 16 मार्च 1527 को हुआ था। लिखेंगे छद्म खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा तथा गाजी की उपाधि धारण की। गाजी गाजी की उपाधि धारण की धारण की गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने इस युद्ध के पूर्व जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने शक्तिशाली और वीर राजपूत सेना के महारथी राणा सांगा को पराजित कर वास्तविक अर्थों में मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। अर्थात खानवा के युद्ध के बाद ही सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। छद्म पूछेगा पानीपत के प्रथम युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध है, क्यों? क्योंकि छद्म खानवा के युद्ध में बाबर का सामना आन बान और शान देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले राजपूतों के साथ हुआ था। मेवाड़ के शासक वीरों की धरती जहां हल्दी घाटी मौजूद है, चित्तौड़ जिसकी राजधानी थी, जहां महाराणा प्रताप जैसे वंशज हुए थे, वहां के राजपूतों को पराजित करना बाबर के लिए एक बहुत ही कठिन चुनौती थी और इस चुनौती को उसने पूरा कर दिखाया था छद्म, है ना, खानवा का युद्ध में। इसलिए बाबर के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था। इस चीज को आपको छद्म ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो, है ना। नेक्स्ट लिखेगा छद्म
चंदेरी का युद्ध। लिखिए छतगन 29 जनवरी 1528 को राणा सांगा के सेनापति एवं सामंत, राणा सांगा के सेनापति एवं सामंत सामंत मेदनी राय मेदनी राय एवं एवं बाबर के बीच मेदनी राय एवं बाबर के बीच मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान में मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान में यह युद्ध हुआ था, जिसमें जिसमें बाबर विजयी रहा, बाबर विजयी रहा। छगन क्या सवाल है, गौर कीजिएगा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान में। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के सेनापति मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा था। ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध लिखिए 5 मई 1529 को, 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध बिहार और बंगाल, कि संयुक्त अफगान सेना सेना के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा तथा बाबर का अधिकार बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल में भी हो गया, बिहार और बंगाल में भी हो गया। छगन क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। ध्यान रखिएगा छगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना और बाबर के बीच हुआ था। महमूद लोदी या मोहम्मद शाह लोदी इस अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बाबर इस विजय युद्ध में विजयी रहा और उसका पूर्वी भारत पर भी अधिकार इस युद्ध के पश्चात हो गया। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। तो ये है छतगन, बाबर द्वारा लड़े गए भारत में 4 युद्ध और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू, जिसको आपको ध्यान रखना है, मनन करना है और एक चीजों को छतगन याद रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे छतगन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, इसे आगरा के इसे आगरा के आराम बाग, आराम बाग में दफनाया गया
गया, परंतु इसकी आखिरी इच्छा की पूर्ति करने हेतु बाबर का मकबरा इसके सबसे प्रिय शहर काबुल में बनवाया गया था। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है। छगन, क्या सवाल है, गौर कीजिएगा। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। बाबर को सर्वप्रथम कहां पे दफनाया गया था? आगरा के आरामबाग में, चूंकि आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी छगन। लेकिन इसकी आखिरी इच्छा यही थी कि इसके सबसे प्रिय शहर काबुल में इसका मकबरा बनाया जाए। छगन, काबुल में इसका मकबरा बनाया गया और इसे आगरा से फिर उठाकर काबुल में ले जाकर के दफनाया गया और वर्तमान में काबुल में ही बाबर का मकबरा है। छगन पूछेगा, किस मुगल बादशाह का मकबरा काबुल में है? बाबर का। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। इसे भी छगन आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। छगन, बाबर के बाद जो शासक उत्तराधिकारी बना या इसका पुत्र था हुमायूं। छगन, आपको मालूम है बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, है ना, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। लेकिन इसमें शासक कौन बना छगन? हुमायूं। आपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनाएंगे छगन, हुमायूं। हुमायूं अपने नोट्स कॉपी में आपने हेडिंग बना ली होगी छगन, लिखेगा, हुमायूं शब्द का अर्थ भाग्यशाली होता है। परंतु यह सबसे अभागा, मुगल बादशाह था। नेक्स्ट, यह अफीम का बेहद शौकीन था। नेक्स्ट, तीर्थंकर, यह ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता था। तथा सप्ताह में सात दिन सात रंग के कपड़े पहनकर दरबार में हाजिर होता था। नेक्स्ट, हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जिसने दो कार्यकाल के लिए शासन किया था। नंबर एक, 1530 से 1540। नंबर दो, 1555 से 1556। यहां लिख लेंगे मात्र 6 माह दूसरे कार्यकाल में, 1555 से 1556 लिख लेंगे
मात्र 6 माह दूसरे कार्यकाल में। नेक्स्ट, हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था नेक्स्ट, हुमायूं ने अपने भाइयों को निम्न प्रांतों का सूबेदार बनाया था। हुमायूं ने अपने भाइयों को निम्न प्रांतों का सूबेदार बनाया था नंबर एक, कामरान लिखिए, इसे कंधार और काबुल प्रदान किए गए। नेक्स्ट, अस्करी इसे संभल का प्रांत सौंपा गया, नेक्स्ट, हिंदाल इसे अलवर एवं मेवाड़ प्रांत दिए गए। नेक्स्ट, हुमायूं का सबसे प्रबल शत्रु शेर शाह था। नेक्स्ट, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। नंबर एक, चौसा का युद्ध देखिएगा, डस दके बिहार में चौसा नामक स्थान में हुमायूं और शेरशाह के बीच गंगा नदी के तट पर हुए इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया तथा बहुत मुश्किल से एक
भिस्ती या नाविक, नाविक, निजाम खां, निजाम खां की सहायता से, किस सहायता से हुमायूं उफनती हुई गंगा नदी को नाविक की सहायता से, नाविक की सहायता से पार कर कर अपनी जान, अपनी जान बचा पाया था, अपनी जान बचा पाया था, बचा पाया था। नेक्स्ट तीर्थंकर, इस उपकार के बदले में हुमायूं ने नाविक निजाम खां को, नाविक निजाम खां को उसकी इच्छा अनुसार एक दिन के लिए भारत का बादशाह बना दिया, बादशाह बना दिया, जिसमें निजाम खान ने अपने नाम से युक्त, अपने नाम से युक्त चमड़े के सिक्के, सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट तीर्थंकर, ये नंबर दो लिखेगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। देखिए 1540 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में यह निर्णायक युद्ध, युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर भारत से भागने पर विवश कर दिया। नेक्स्ट चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी तथा हुमायूं ने रक्षा धर्म के फर्ज को निभाया था। नेक्स्ट 1540 में हुमायूं भारत से निर्वासित जीवन जीने लगा, जीवन जीने लगा। नेक्स्ट 1555 में
हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सूर वंश के शासक सरहिंद के युद्ध में सूर वंश के शासक शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर फिर से दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। परंतु अपने दूसरे कार्यकाल में हुमायूं मात्र 6 महीने शासन कर पाया तथा दीन पनाह महल महल में स्थित अफगान मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल ने व्यंग पूर्वक कहा है हुमायूं ने लड़खड़ाते शासन किया। और लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। किस मुगल बादशाह का कार्यकाल दो बार था? हुमायूं का कार्यकाल दो बार था। पहला कार्यकाल था छतगन 1530 से 1540, दूसरा कार्यकाल था 1555 से 1556, मात्र 6 महीना। पूछता है सवाल, अपने द्वितीय कार्यकाल में हुमायूं कितने महीने शासन कर पाया था? मात्र 6 माह शासन कर पाया था छतगन। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली होता है, मोस्ट लकी पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज द मोस्ट, सबसे दुर्भाग्यशाली अभागा शासक था पूरे मुगल साम्राज्य में हुमायूं, है ना। छात्रगण पूछेगा मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक अभागा शासक कौन था? हुमायूं था। कौन अपने नाम के विपरीत अपने काम के लिए प्रसिद्ध था? हुमायूं। नाम था हुमायूं, भाग्यशाली, लेकिन अभागा शासक था। पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह अफीम का बेहद शौकीन था? हुमायूं था। कौन सा मुगल बादशाह ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता था? हुमायूं ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता था। अपने 10 उंगलियों में 20-25 अंगूठी धारण करता था छतगन। ज्योतिषी के बताए अनुसार सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर दरबार में हाजिर होता था। सोमवार को हरा, मंगलवार को पीला, बुधवार को नीला, बृहस्पतिवार को काला, शुक्रवार को सफेद,
है ना, इस तरीके से रोज अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर आता था, लेकिन हर दिन मनहूस गुजरता था, हर दिन बेकार गुजरता था। यह इसकी नियति थी, यह इसका अभागापन था, यह भी मुगल साम्राज्य का मोहम्मद बिन तुगलक था छत्रगण, अभागा बादशाह। ध्यान रखेंगे छत्रगण, पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनकर दरबार में हाजिर होता था? हुमायूं होता था छत्रगण। हुमायूं के लोग स्वयं को मिलाकर 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्कर, हिंदाल। हुमायूं ने कामरान को कंधार और काबुल का प्रांत दिया था, अस्करी को संभल का प्रांत दिया था, और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का प्रांत दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं छत्रगण, ध्यान रखिएगा छत्रगण। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी, और हुमायूं ने इस रक्षा धर्म को निभाया था। पूछेगा किस राजपूत रानी ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी? रानी कर्णावती ने, कहाँ की रानी थी? चित्तौड़ की रानी थी, रानी कर्णावती ने भेजा था इसे राखी। ध्यान रखिएगा छत्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा हुमायूं का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? शेरशाह था छत्रगण। छत्रगण शेरशाह एक वीर योद्धा था, और हुमायूं की कमजोरियों को वो जानता था छत्रगण। 1539 में बिहार के चौसा नामक स्थान में गंगा नदी के तट पर शेरशाह और हुमायूं की सेना में जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया और भागने लगा। शेरशाह के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, गंगा नदी अपने उफान पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी, गंगा नदी में जबरदस्त रूप से उफान आया हुआ था। वहां एक नाविक बैठा हुआ था जिसका नाम निजाम खां था। हुमायूं ने कहा मैं मुगल बादशाह हूं, मेरी जान बचा दो। लेकिन उस समय उसकी परिस्थितियां मुगल बादशाह जैसे नहीं, एक सैनिक से भी गई गुजरी थी। देखकर निजाम खां हंसने लगा कि तुम मुगल बादशाह हो, कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए। हुमायूं ने अपना राजकीय चिन्ह दिखाया, तब उसे विश्वास हुआ, बोला मुझे जान बचा दो, मेरे पीछे शेरशाह के सैनिक पड़े हुए हैं, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा जो तुम बोलोगे। निजाम खान ने कहा मेरी इच्छा है एक दिन के लिए मुझे भारत का बादशाह बना दिया जाए। बोला ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति करूंगा, लेकिन अभी मेरी जान बचाओ। छत्रगण निजाम खान ने अपनी जान पर खेलकर नाविक के फर्ज का निभाते हुए गंगा नदी को उफनती हुई गंगा नदी को पार करके हुमायूं की जान बचा दी। हुमायूं ने भी अपना वादा पूरा किया और एक दिन के लिए निजाम खां को भारत का बादशाह बना दिया गया। छत्रगण निजाम खां ने अपने नाम से युक्त चमड़े के सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा। पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच। किस राज्य में हुआ? बिहार में। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर हुआ। इस युद्ध में कौन विजयी रहा? शेरशाह विजयी रहा। हुमायूं की जान किस नाविक या भिस्ती ने बचाई थी? निजाम खान ने। निजाम खान को इस उपकार के बदले हुमायूं ने क्या दिया? एक दिन की भारत की बादशाहत दी थी। इस बादशाहत में निजाम खान ने क्या किया? इस बादशाहत में निजाम खान ने चमड़े के अपने नाम से युक्त सिक्के जारी किए थे। छत्रगण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा शेरशाह और हुमायूं के बीच सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? तो सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कौन विजय रहा? शेरशाह अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित करने में सफल रहा और हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। छत्रगण 1540 से 1555 तक हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा। आप देख रहे हैं छत्रगण, यहां गैप को आप देख लीजिए, 1540 से 1555 तक छत्रगण निर्वासित जीवन जी रहा है। वो भारत से भागा भागा फिर रहा है ना। 1555 में अपनी शक्ति को फिर से समेट के आता है, और सरहिंद के युद्ध में छत्रगण, ध्यान रखिएगा, सूर वंश के शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर फिर से कब्जा कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की देवी अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। अपने द्वितीय कार्यकाल में मात्र 6 माह शासन कर पाया। दीनपना महल के पुस्तकालय अफगान मंडल की सीढ़ियों से उतरते वक्त इसका पांव लड़खड़ा गया, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते यह गिर गया, घायल हो गया, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते घायल होने के उपरांत इसकी मृत्यु हो गई। छत्रगण इतिहासकार लेनपुल ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है हुमायूं ने लड़खड़ाते लड़खड़ाते शासन किया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। पूछेगा दीनपना महल के अफगान मंडल नामक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के बारे में कहा जाता है कि उसने लड़खड़ाते लड़खड़ाते शासन किया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई?
हुमायूं के बारे में कहा जाता है। किसने कहा था? लेनपुल महोदय ने कहा था, इतिहासकार लेनपुल ने कहा था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है। तो छात्रगण ये है हुमायूं और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू जिसे आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए याद रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण सवाल पूछे जाएं तो आपको दिक्कत और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए एक एक चीजों को छात्रगण आप ध्यान दें और मनन करें। इसके बाद छात्रगण हम लोग जानेंगे अकबर के बारे में और मुगल सम्राट अकबर के बारे में हम लोगों की जानकारी होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, हुमायूं के पश्चात आज उस शासक के बारे में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है। छात्रगण, ग्रेट कहलाने के लिए बहुत ही त्याग तपस्या बलिदान करना पड़ता है छात्रगण। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ये सब ग्रेट किंग की श्रेणी में आते हैं। अकबर क्यों ग्रेट था, क्या इसके व्यक्तित्व में गुण समाहित थे, इसे हम लोग जानेंगे छात्रगण अकबर द ग्रेट के बारे में। हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, अकबर द ग्रेट, मन गई हेडिंग लिखिए। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक था, पांच तक था। नेक्स्ट, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। मोहम्मद अकबर था। नेक्स्ट, अकबर को जलाल भी कहा जाता है या अकबर को जलाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, अमरकोट केराना वीरसाल, अमरकोट केराना वीरसाल के राजमहल में, महल में हुआ था। अमरकोट के राणा वीरसाल के राजमहल में हुआ था। नेक्स्ट, राणा वीरसाल हुमायूं के मित्र थे, राणा वीरसाल हुमायूं के मित्र थे। नेक्स्ट, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम बेगम या हाजी बेगम बेगम थी, हाजी बेगम थी। नेक्स्ट, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खान था, बैरम खान था। नेक्स्ट, जब हुमायूं की मृत्यु हुई हुई उस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ पंजाब के कलानौर
कलानौर अभियान पर था, अभियान पर था, था। नेक्स्ट, इस स्थिति का फायदा उठाकर उठाकर हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा छात्रगण अपने नोट्स कॉपी में, हेमू, हेमू लिखिए। यह पेशे से बनिया था तथा नमक बेचने का काम करता था, काम करता था। नेक्स्ट, अपनी योग्यता के बदौलत, अपनी योग्यता के बदौलत हेमू दिल्ली का शासक बन गया, शासक बन गया। नेक्स्ट, हेमू ने 24 में से 22 युद्ध जीते थे, 22 युद्ध जीते थे। नेक्स्ट, हेमू सूर्यवंश के शासक आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर का वजीर अर्थात प्रधानमंत्री एवं सेनापति था, एवं सेनापति था। नेक्स्ट, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। नेक्स्ट, हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है, नेक्स्ट, हेमू द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किए जाने के बाद अकबर के संरक्षक बैरम खाने ने कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाया तथा
ईंटों का सिंहासन बनाया तथा प्रतीकात्मक रूप में 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक करवाया था। छगन ये प्रतीकात्मक राज्याभिषेक था, है ना। असली अर्थों में अकबर मुगल गद्दी पर नहीं पहुंच पाया था, दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हेमू। छगन कौन था हेमू? क्या अकबर फिर से मुगल सत्ता को प्राप्त कर पाया? हेमू जैसे वीर योद्धा को पराजित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। 24 में से 22 युद्ध को जीतने वाले इस शासक को अकबर ने कैसे पराजित किया? इन सभी चीजों को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संजीवनी बूटी है, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे छात्रगण अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।